आपका पेपर कैसा गया? YouTube चैनल गाइस, तो मेरा एक एग्ज़ाम है चंडीगढ़ में, जिसके लिए मैं आज निकल रही हूँ. और शुरू में ही बहुत ज़्यादा लोचा हो गया. मेरी बस के कंडक्टर से बात हुई थी, मैंने अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करवाया था, लेकिन अब वो जब ये टाइम आया है बस पे चढ़ने का, तो वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है. तो मुझे पता नहीं अभी मैं कैसे डील करूँ. शायद मेरे को मेन बस स्टैंड जाना पड़ेगा. तो आई जस्ट होप यार जर्नी स्मूथली निकल जाए, क्योंकि वैसे ही यार मुझे कुछ हो जाता है, मतलब ट्रैवल करने से पहले. पता नहीं आप लोगों के साथ ही होता है कि नहीं, मतलब मुझे बड़ी हलचल सी होती रहती है. मेरे को स्टेबल नहीं फील होता है ट्रैवल करने से पहले. चलो देखते हैं क्या क्या होता है. बाय. चुकी हूँ पालमपुर बस स्टैंड पर. मुझे अभी वापस बोला गया है बस स्टैंड के बाहर आने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली जिस बस में मैं जा रही हूँ वो बस स्टैंड के अंदर एंटर नहीं करती है. पर यार आई रियली वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि आई हैड सो मच प्रिविलेजेस इन कंपैरिजन टू पीपल अराउंड मी. क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी एग्ज़ाम देने नहीं जा सकती जिन भी रीजंस की वजह से. मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं एक प्राइवेट बस की टिकट. मेरे पास ये प्रिविलेज है कि अगर मुझे बस नहीं मिल रही है तो कोई मुझे छोड़ने आ सकता है इतनी रात को. सबके पास नहीं है ये प्रिविलेज. चलो देखते हैं, बाकी का अपडेट आपको साथ साथ में मिलेगा. ओके बाय. टाइम नहीं मिला है व्लॉगिंग करने का. एक्चुअल में क्या हुआ था कि नम्रता ने पहले से ही कैब बुक कर दी थी मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही. मैं उतरते ही सीधे कैब में बैठी हूँ और इसके घर पे लैंड हो चुकी हूँ. और देखिए इसने कैसी प्रिपरेशन करके रखी है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. हाय, नमस्ते, हाय, ओके बाय, गुड नाइट. सोते सोते बच गए थे 6, क्योंकि हमने बहुत गप्पे मारी है रात को. और अब आ जाने वाली है मेरी फ्रेंड स्मृति, तो उठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं. व्हाट इज दिस बिहेवियर नम्रता, व्हाट इज दिस बिहेवियर? इतना वीआईपी ट्रीटमेंट. शिरू, हाय. शिरू, हाय बोलो इधर.
देखो चांद आया, चांद नजर आया। स्मिति से हाय। हाय हाय। तो यहाँ के फ्लोर में आई है, अपने आप को यूट्यूब पे देखेंगे। क्या खा रहे हो आप? ये स्पेशली किन्नौर के राजमा बनाया है और इसमें दही भी लगा है, ऐड ऑन। हाँ, इसमें दही भी लगा है। ये स्पेशली किन्नौर की रेसिपी और किन्नौर के राजमा, और ये बहुत फेमस राजमा है। और यहाँ पे जो लड़की है जो बहुत फेक सा स्माइल कर रही है, इतनी है नहीं इनोसेंट बिच। और ये मेरी, और ये काजल है जो बहुत छुपने की कोशिश कर रही है, बट हम इन्हें फ्रेम में ले चुके हैं और मुझे सबको इग्नोर करते हुए। ये घर की सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है। ये जैसे ही कैमरा प्रिया की तरफ हो रहा है, जो प्रिया स्माइल कर रही है। नम्रता भी दिखनी चाहिए। हाँ, एंड शी इज द शेफ जिन्होंने ये मास्टर शेफ वाली प्लेट बनाई है। तो थैंक यू सो मच नम्रता, आपने इतनी हॉस्पिटैलिटी, मतलब इतना अच्छा आपने ट्रीट किया मेरे को, वीआईपी गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट दिया आपने कल रात से। कल रात से आपने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं तहे दिल से, मैं तहे दिल से आपको कहना चाहूंगी कि मैं पक्का आपको 5 स्टार्स दूंगी। और नेक्स्ट विजिट में भी, नेक्स्ट विजिट में भी मैं बुकिंग यहीं पे करवाऊंगी। होम स्टे मेरा, मतलब किसी को भी आना प्लीज, कांटेक्ट गरिमा, होम स्टे खोला है मैंने, प्लीज आना। हाँ, लेकिन ये चार्जेस नहीं लेती है ये बिल्कुल भी, उल्टा ये खाना भी खिलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति के पापा हमको लेने आ गए थे नम्रता के घर से, और अभी अंकल गए हुए हैं केमिस्ट शॉप में क्योंकि मुझे एक मास्क लेना था और एक दो दवाइयाँ लेनी थी, तो अंकल को लेने के लिए गए। और स्मृति के घर बस हम पहुँच ही गए हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में। स्मृति हाय। एवरीवन इज चिलिंग हियर। आंटी ने हमें सीधे बाथरूम में भगा दिया है। आंटी कहते मेरे से कोई नहीं मिलेगा जब तक नहा नहीं लोगे तुम लोग। इट्स बाय ब्रो। स्मृति से हाय। स्मृति से हाय। हाय हाय। तो स्मृति के घर हम पहुंच गए थे, उसके बाद आंटी ने हमें नहाने भेज दिया था, हम नहा लिए। एक बारी मैंने रिवीजन भी कर ली है और अब अच्छी तरीके से नींद भी दिला दी है। और सुबह हमने जल्दी उठना है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे का, तो हम लोग 6 बजे के अराउंड घर से निकलेंगे, है ना? 5 बजे चुप कर 6 बजे घर से निकलेंगे। और बस गुड मॉर्निंग। तो आज है एग्ज़ाम और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और तैयार हो चुके हैं। स्मृति अभी तक सो रही है क्योंकि वो कहती है कि वो ऐसे ही चले जाएगी मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में छोड़ने के लिए। और मेरे सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम है 7:30, तो अभी बस हम निकलेंगे आधे घंटे में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आई होप अच्छे से जाए एग्ज़ाम, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ओके बाय। Thank you.
गले में घुस आऊंगी आपका पेपर कैसा नहीं था। पेपर कैसा गया आपका? कितना मिस किया आपने हम लोगों को? बहुत ज़्यादा है। सबको है बोल दो। तो एग्ज़ाम हो गया है और यार मतलब अच्छा ही हुआ है मेरी तरफ से, मतलब मुझे तो लग रहा है कि अच्छा हुआ है, बाकी भगवान भरोसे। और इसके बाद जो होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।